में मौजूद है। श्री मोहम्मद शामी एक उत्कृष्ट क्रिकेटर हैं। 2023 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता पुरुष टीम, 2023 में इंग्लैंड लंदन में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उपविजेता पुरुष टीम। श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी, श्री अनुष अग्रवाला, तो पूर्व क्रिकेटर के शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। घुड़सवारी के मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत खुशी की बात है और जेन्युइनली वो डिजर्व करते हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। और देखिए, ये गवर्नमेंट जो है ना, जिस तरह से मोटिवेट कर रही है क्रिकेटर्स हो या अदर डिसिप्लिन के लोग हो, वो लाजवाब है। मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी एक मोस्ट डिजर्विंग क्रिकेटर थे इस वर्ष के, जो अर्जुन अवार्ड जो दिए जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, क्रिकेटर्स के बीच में बहुत बढ़िया एक मैसेज गया है कि आप अगर लगातार एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो देश आपकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करता है। और देखिए, जिस तरह से मोहम्मद शमी का हमने प्रदर्शन देखा और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, हर किसी के लिए गर्व की बात है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। एक बच्चा छोटे से गांव से, सहजपुर से निकलता है और वो निकल कर स्ट्रगल करता है, प्रदेश के अंदर स्ट्रगल करता है, वहां से वो प्रदेश को छोड़ के वो जाता है बंगाल, जाता है वहां जाकर वो अपनी मेहनत को जारी रखता है और उसके पश्चात जो है वो जी कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।